गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर रख दी हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में पानी रख दी हूँ। इसमें रखती हूँ आलू, नहीं आलू हो तो उबाल इसको रख ली हूँ, छील ली हूँ, छील के पानी डाली हूँ। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। इसको बनाएंगे हम पराठा। तो ढक्कन यहाँ पर लगा रहा है तो इसमें यहाँ पर रख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर गए आप लोग को दिखाते हैं, जरूर से देखिए यहाँ पे सब सामान लगा लिए हैं, यहाँ पे आटा रख दिए हैं। तो आप लोग को हम दिखाते हैं बैक कैमरा से, आप लोग देख सकते हैं इसमें हरी मिर्चा काटे हैं, अदरक लहसुन प्याज यहाँ पे चटनी के लिए रख दिए हैं, हरी धनिया लहसुन हरियर धनिया मिर्चा लहसुन अदरक यहाँ पे मूली है धो के रख लिए हैं सलाद बनाने के लिए, यहाँ पे गोभी काट लिए हैं, टमाटर रख लिए हैं चटनी बनाने के लिए, यहाँ पे आटा रख लिए हैं सानें उसको सान लेंगे। तो आप तब बने रहिए, यहाँ पे देखिए पानी रख दिए हैं तो यहाँ पे गैस चालू कर दे रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं, तब फिर आप लोग से मिलते हैं, आप लोग तब तक हमारी वीडियो में बने रहिए। सारे से हो गैस को बांट देते हैं, ऑन कर देते हैं। गैस देख सकते हैं यहाँ पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं टमाटर को, टमाटर उबल जाएगा। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हमने और यहाँ पे हरी मिर्चा डाल दिए। तो यहाँ पे डाल दिए हम देख सकते हैं, अदरक भी डाल दे रहे हैं और लहसुन भी डाल रहे हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसको डाल रहे हैं, तो यहाँ पर डाल दिए हैं गाइस। तो आप लोग बने रहिए, यहाँ पे देखिए आटा चाल के रख लिए हैं, इसको सान लेते हैं। फिर आलू भी यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा दिए हैं तो आलू उबल जाएगा, फिर उसके बाद गोभी को उबाल करेंगे, उबालेंगे यहाँ पे तब तक टमाटर हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, आटा को सान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए, हो गया है तो इसको गैस को बंद कर देते हैं, टमाटर हो गया है तो इसको हम निकाल देते हैं, निकाल करके इसमें गोभी डाल देते हैं, गोभी को उबाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आलू भी हो रहा है, सीटी दे रहा है तो आलू को भी निकालेंगे, तब तक इसको चटनी बना लेते हैं निकाल करके। तब तक आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए टमाटर मेरा उबल गया है तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे टमाटर लहसुन सब हो गया है तो निकाल लेते हैं, तो हम इसे एक हाथ से नहीं। देखिए गाइस यहाँ पे मेरी गोभी हो गई है तो गोभी को छान लेते हैं, इसमें उबल गई है तो इसको हम छान के रख लेते हैं, ठंडा हो जाने का। यहाँ पे गोभी को रख दिए ठंडा होने के लिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आलू भी मेरा हो गया है, आलू भी देखिए मेरा हो गया है यहाँ पे, तो आलू को भी निकाल लेते हैं, ज़्यादा हो गया है एकदम, तो इसको हम धीरे से निकाल लेते हैं। यहाँ पे तेल लाल हो गया है, गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिए हैं पंचफोरन जीरा, इसके बाद में डाल दिए हैं यहाँ पे देखिए सूखा धनिया ले लिए हैं, सूखा धनिया अच्छा लगता है इसको भी डाल दिए हैं, यहाँ पे हींग डाल दिए हैं और इसके बाद लहसुन अदरक इसमें डाल दिए हैं, यहाँ पे हरा मिर्चा डाल दे रहे हैं, इसके बाद में प्याज डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना लाल रहते हैं, खटक में गए मेरे गालों पे, एक बार चुका था तो हम जल रहे थे, यहाँ पे जल रहे थे, यहाँ पे जल रहे थे, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ना प्याज लाल होने तक, इसके बाद भूल जाएगा प्याज तो इसमें डालेंगे गोभी। यहाँ पे गोभी देखिए इसको गाट दिए हैं, इसमें तो पानी निकल गया है और आलू सुबह ठंडा हो रहा है, इसको मस देंगे ऐसे ही डाल देंगे, पलटा से शुरू कर देंगे। सकते हैं गाइस मेरा प्याज हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं गोभी को, डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे गोभी को डाल देते हैं। इसमें देखिए गोभी को भून लेते हैं, गोभी फ्राई कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा एक पुड़िया मसाला नारियल का डाल लेंगे, इसी के साथ भुजा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम आलू डाल देंगे,
धनिया को रख देते हैं इधर, सलाद काटे हैं उसमें, तो यहाँ पे आलू को भी डाल देते हैं, इसके साथ में भुजा जाएगा, तो उसको हम भून देंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, देख सकते हैं यहाँ पे आलू गोभी हम डाल दिए, मसाला भी डाल दिए, बहुत अच्छा आलू गोभी का पराठा चटपटा सा बनेगा। देख सकते हैं गाइस, मैं पराठा सेक रही हूँ, वो यहाँ पे देखिए निकल गया है, और उसने पति देव को दे दिए हैं खाने के लिए, तो खा रहे हैं गरम गरम पराठा। तो यहाँ पे देखिए इसको बेल लिए हैं, इसके बाद में तो आप लोग बने रहिए, यहाँ पे आलू गोभी का पराठा टेस्टी टेस्टी, आप लोग भी बनाइए खाइए, मेरे घर पे भी आइए खाइए, और कमेंट करिए गाइस, मेरी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं ना कमेंट करते हैं, और सब्सक्राइब जो पहली बार देखते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते, पहली बार क्या आप लोग देखते ही नहीं मेरी वीडियो को, आप लोग देखिए प्लीज़, आप लोग देखिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए लाइक भी करिए, तब मेरी वीडियो में बने रहिए, और मेरे घर पे आइए, मैं आलू गोभी का पराठा आप लोग को जरूर से खिलाऊंगी। देखिए यहाँ पे बेल लिए हैं, रिफाइनिंग रखने के लिए यहाँ सलाद भी कर गया है, और आप लोग देखिए यहाँ पे चटनी बना दी हूँ टमाटर का टेस्टी टेस्टी, तो देख सकते हैं मेरा चटनी टमाटर का पराठा बना बन गया है, यहाँ पे सीख गया है पूरा बना लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे खा लिए हैं, और लोग खा लिए, हम लोग दो लोग बाकी हैं, तो इसको बना के हम लोग खाएंगे, मम्मी मतलब हम अनुज की मम्मी है, दोनों लोग माँ बेटा मिलकर खाएंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पराठा को डाल देते हैं इस पर, आटा हो गया खत्म, यहाँ पे देखिए बच गया है, तो इसको और बना देंगे, आटा सानेंगे तो दो सौ पराठा बना देगा, कोई भी नाश्ता कर लेगा, यहाँ पे बन गया है। आप लोग अब लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बताइएगा मेरा पराठा कैसा बना है आलू गोभी का।